दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने संबंध में बार बार हो रही मुकदमेबाजी पर भी गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि यह जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है जिसके सिक्वल होंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा यह जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह नहीं है जहां हम सिक्वल बनाएंगे, एलजी इस पर फैसला करेंगे। आप हमें राजनीतिक जाल में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालत को राजनीतिक मामले में शामिल करने के प्रयास के लिए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को भी फटकार लगाई और उनसे अदालत के अंदर राजनीतिक भाषण देने से परहेज करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा हमें मजाक में मत लीजिए, या केवल आपके और आपके मुवक्किल जैसे लोगों के कारण है कि हमारा मजाक बन गया है, हम किसी राजनीतिक मामले में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने संदीप कुमार के वकील से पूछा क्या आपने किसी अदालत को राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगाते देखा है, क्या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने किसी मुख्यमंत्री को हटाया है। याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की गैर उपस्थिति ने संवैधानिक तंत्र को जटिल बना दिया है और वह संविधान के अनुसार कभी भी जेल से सरकार नहीं चला सकते। कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली के राज्यपाल इस मामले में फैसला ले सकते हैं। वकील ने बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले 2001 का हवाला देते हुए बताया कि जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री जे जयललिता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई थी और आर्टिकल 191 के तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8/3 के तहत पद संभालने के आयोग घोषित कर दिया गया था। इस पर अदालत ने जवाब दिया कि जयललिता मामले में उनकी 2 सिद्धि शामिल हो गई थी और यह बात इन पर लागू नहीं होती। 28 मार्च को अदालत ने केजरीवाल को हटाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें स्पष्ट मांग किया गया था कि याचिकाकर्ता कोई भी कानूनी दलील पेश करने में विफल रहा है और आपके राष्ट्र संयोजक को पद संभालने से रोकता है। इसके अलावा 4 अप्रैल को अदालत ने इस मुद्दे पर एक दूसरी जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा मुख्यमंत्री बने रहना केजरीवाल की व्यक्तिगत पसंद थी और याचिकाकर्ता को इसके बजाय उपराज्यपाल से संपर्क करना चाहिए।